आज पूरा भारत स्वदेशी बनना चाह रहा है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम ONDC है, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च क्यों कर रही है। देखिए, अमेजोन व फ्लिपकार्ट दोनों ही कम्पिटिटिव कंपनी हैं, जिन्होंने भारत सरकार के ई कॉमर्स बिजनेस को समेट कर रख दिया है और इस पर अपना एक अधिकार जमा लिया है। ONDC की वजह से इस एक अधिकार को कम किया जा सकता है। मान लीजिए एक सेलर ONDC पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, तो यह प्रोडक्ट अपने आप ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी पर लिस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बार इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले इसकी वैल्यू को अन्य प्रोडक्ट की वैल्यू से कंपेयर कर सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए तगड़ा झटका हो सकता है। वैसे इस प्रोडक्ट को अभी कुछ सिटीज में लॉन्च किया गया है। अगर यह ट्रायल सक्सेसफुली रहा तो इसे पूरी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में